यहाँ का सीन कुछ ऐसा होता है कि हम यहाँ शाक पे रुके हुए थे और वो बंदे कंपाउंड की तरफ जाके हमारे साथ फाइट ले रहे थे। तभी इनका एक बंदा UAZ निकाल के सामने चला जाता है, वो सामने वाली हिल पे। तो मैं फिर अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि चलो हम भी फिर हिल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये फिर सैंडविच हो जाता हमारा, ये घर वाले भी मारते और ये बंदा ऊपर हिल पे जाके हमको मारता। तो देखो सामने ये बंदे को चलते चलते ही पकड़ता हूँ मैं। और आप लोग लास्ट वक्त देखना, ये तीन बंदे थे तो दो बंदों को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन इनका तीसरा बंदा है ना, वो कैसे मरेगा आप सिर्फ देखो लास्ट तक। अब जैसे ये महाशय नॉक होते हैं वैसे मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि इसको फिनिश मत कर, क्योंकि ये अपने बंदों को बुलाएगा फिर इधर और इनको पेलेंगे। तो तभी क्या होता है, इसके टीममेट पुश कर देते हैं। तो इधर मैंने उन लोगों को बहुत डैमेज दिया था, लेकिन क्या होता है वो बंदे ने मेरे टीममेट को उतार दिया था, क्योंकि वो बग्गी से नीचे उतरा ही नहीं। तभी मैं क्या करता हूँ, वो जो सामने गाड़ी थी उसको फोड़ देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज थी। अगर उसने फोड़ी थी तो मुझे बहुत डैमेज पड़ता, इसलिए मैं ही फोड़ देता हूँ। तो मैं जैसे इसको नॉक फिनिश डालता हूँ वैसे इसका तीसरा बंदा गाड़ी लेके भाग रहा था, लेकिन क्या होता है वो थोड़ा सामने जाके रुकता है और फिर गाड़ी लेके पीछे आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मेरे टीममेट की तरफ जाता हूँ रिवाइव वगैरह देने के लिए, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि ये बंदा सामने वाले रॉक के पास आके रुका था। तो देखो ये कैसे मारता है, मैं तो नहीं मारता हूँ इसको। तो इसको पैनिक करने के लिए मैं एक फुल स्प्रे लेता हूँ M4 का उसके गाड़ी पे, क्योंकि उसकी गाड़ी भी बहुत डैमेज थी, और एक नेट पिन करके उसकी तरफ फेंक रहा था। तभी ये होता है, देखा आपने कुछ नोटिस किया, ये बंदे का क्या था, ये दासिया थोड़ी डैमेज थी तो ये बंदे ने उसको फोड़ दिया और उसके साथ ये भी फूट गया है। मुझे तो ये समझने में ही 1-2 सेकंड लग गए कि ये हुआ क्या है उसके साथ। तो चलो छोड़ो जाने दो, होगा स्क्वाड वाइप। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।